आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन में कैसे सेफ मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फोन में कैसे सेफ मोड को इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। दोस्तों सेफ मोड क्या होता है ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा 30 सेकेंड के अंदर। अगर आप अपने फोन में कोई भी ऐप लॉक यूज करते हैं और अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप सेफ मोड के जरिए आप उस एप्लीकेशन को आराम से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सीधा तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी प्ले स्टोर से इंस्टॉलेड एप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे आपका काम करना बंद कर देगा जब आप सेफ मोड को इनेबल करोगे तब। और जैसे ही आप सेफ मोड को डिसेबल कर दोगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपका काम करना शुरू कर देंगे। तो यही आज हम जानेंगे कि कैसे अपने फोन में सेफ मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि मुझे भी आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है हाउ टू इनेबल सेफ मोड इन, एंड उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन का नाम डालना है। जैसे कि मेरा रेडमी नोट 7 है तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है रेडमी नोट 7, एंड उसके बाद आपको सर्च पैटर्न पे क्लिक कर देना है ये कुछ इस तरीके से, एंड ये आपका सर्च करके रिजल्ट दे देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया एंड यहाँ पे मुझे सर्च रिजल्ट मिल गया। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आपका लिखा होगा सेफ मोड उसी लिंक को आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसे ओपन करता हूँ, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर ऑफ करना है। चलिए मैं आपको इन सभी को अपने फ़ोन में करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पावर ऑफ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इसे सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपका ये फ़ोन थोड़े ही देर के बाद ये आपका सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। Redmi Note 7 को भी आप इसी तरीके से आप Google पे सबसे पहले सर्च कीजिएगा, एंड सर्च करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, एंड उसके बाद आप अपने फ़ोन में सेफ मोड को ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, जब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक बॉटम में सेफ मोड लिखा हुआ आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे सेफ मोड लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सेफ मोड को ऑन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिवाइस में पैटर्न लॉक होगा वो आपका इनेबल ही रहेगा, और बाकी जो भी आपका इंस्टॉलेड एप्लीकेशन होगा, देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा था, वो सारे के सारे यहाँ पे हट चुके हैं, और जो यहाँ पे मेरे फ़ोन में शॉर्टकट बना था वो सभी के सभी काम करना आपका बंद कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नो वर्क। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सेफ मोड को ऑन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम वापस अपने नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए यानी कि रिस्टार्ट कर दीजिए, एंड जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे आपका ये फ़ोन नॉर्मल मोड में ऑन हो जाएगा और आप अपने पुराने ऐप्स को यानी कि थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज करना वापस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप गूगल में सर्च करके जो भी आपका फ़ोन होगा उस फ़ोन का नाम डालकर आप सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर स्मार्टफोन में यही ऑप्शन यूज होता है कि आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसके बाद जो पावर ऑफ करने का ऑप्शन देता है उसे आप एक बार लॉन्ग प्रेस कीजिए, एंड उसके बाद जो आपका स्मार्टफोन होगा सेफ मोड ऑन करने का ऑप्शन दे देगा। तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल मोड में आ सकते हैं।
दोस्तों आप सभी के लिए मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाकर जाइए और कुछ और ऑसम चीजें सीखिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।